पहले हम भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार की मिट्टियों को डिटेल में पढ़ेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें कवर करेंगे तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी बने पर आप पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना क्योंकि अगर आप यहाँ पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको इसका फ़ायदा ज़रूर देखने को मिलेगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं और लास्ट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको इस वीडियो से बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं मिट्टी जिसे मृदा कहा जाता है इसकी डेफिनेशन क्या है तो मृदा भूमि पर पाई जाने वाली दानेदार परत है जिसका निर्माण मूल रूप से चट्टानों के विखंडित होने उनमें वनस्पति व जीवों के सड़ने गलने तथा जलवायु की क्रिया से निर्मित अम्लीय पदार्थों से लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद मृदा का निर्माण होता है जो आप पृथ्वी के धरातल पर देखते हैं दानेदार परत वही मृदा कहलाती है और इसका निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने और जो पेड़ पौधे होते हैं जानवर होते हैं इनके गलने सड़ने के बाद जो इनका अंश बचता है इसे मिलकर मृदा का निर्माण होता है और मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है हिंदी में तो आसानी है कि इसे मृदा विज्ञान कहते हैं पर कई बार ये इंग्लिश में पूछ लिया जाता है तो मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को इंग्लिश में पेडोलॉजी कहते हैं याद रखिएगा क्या कहते हैं पेडोलॉजी तो इसे आप कैसे याद रख पाएंगे देखिए इसकी शुरुआत कैसे हो रही है अगर आप पहले तीन वर्ड देखें तो पी ई डी पेड़ तो आपको पता है पेड़ पौधे कहाँ पर होते हैं तो मिट्टी में ही होते हैं तो पेडोलॉजी के पेड़ से आप याद रख पाएंगे कि ये मृदा में ही होते हैं जिसे पेडोलॉजी कहते हैं तो आगे है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को आठ वर्गों में विभाजित किया है याद रखिएगा कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसने भारत में पाई जाने वाली सभी प्रकार की मिट्टियों को आठ वर्गों में विभाजित किया है तो ये सभी आठ वर्गों को हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन कौन से वर्ग हैं तो सबसे पहला है कि भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है दूसरी है काली मिट्टी तीसरी लाल मिट्टी चौथी है लेटराइड मिट्टी पाँचवीं है पर्वतीय मिट्टी छठी दलदली मिट्टी सातवीं मरुस्थलीय मिट्टी और आठवीं लवणीय मिट्टी तो ये आठ प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं तो उसके आगे है कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मिट्टियाँ चार प्रकार की हैं वैसे तो पूरे भारत में आठ प्रकार की मिट्टियाँ हैं पर ये चार प्रकार की मिट्टियाँ जो हैं ये भारत में आधे से ज़्यादा क्षेत्रफल पर पाई जाती हैं और इन्हीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं तो इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे बाकी हम आठों प्रकार की मिट्टियों को पढ़ेंगे पर इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे तो ये जो है जलोड़ मिट्टी ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है दूसरे नंबर पर है लाल मिट्टी मतलब जलोढ़ मिट्टी के बाद सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है और लाल मिट्टी के बाद काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और काली मिट्टी के बाद लेटराइड मिट्टी पाई जाती है तो ये इनका क्रम है सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है फिर लाल मिट्टी फिर काली फिर लेटराइड मिट्टी तो उसके बाद है कि भारत की सभी मिट्टियों में मुख्यतः तीन तत्वों की कमी होती है तो भारत में पाई जाने वाली लगभग सभी मिट्टियों में ये तीन तत्वों की कमी होती है कौन कौन से हैं नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस ये तीनों की कमी होती है तो नाइट्रोजन फास्फोरस तो आपने सुना होगा यह ह्यूमस क्या है तो अब हम ह्यूमस देखते हैं तो यह है भूरे काले रंग का कार्बनिक पदार्थ है पेड़ पौधों तथा जंतुओं के प्राकृतिक रूप से सड़ने गलने यानी कि विघटन के बाद जो कार्बनिक पदार्थ निर्मित होता है उसे ह्यूमस कहते हैं अभी हमने मृदा की डेफिनेशन देखी उसमें हमने देखा ना कि मृदा का निर्माण कैसे होता है तो चट्टानों के टूटने फूटने और साथ ही साथ हमने देखा था कि जो जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं उनके गलने सड़ने के बाद जो अंश बचता है उसी से मृदा का निर्माण होता है तो वही जो पेड़ पौधे तथा जंतु का जो गलने सड़ने के बाद जो अंश है उसी को ह्यूमस कहते हैं और इसे जीवांश भी कहते हैं याद रखिएगा तो हमने देख लिया कि भारत की मिट्टियों में तीनों तत्वों की कमी है नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस तो सबसे पहले हम देखते हैं जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी मतलब कि ये भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल को कवर करती है जलोढ़ मिट्टी को ही दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी भी कहते हैं याद रखिएगा कि दोमट मिट्टी और कछारी मिट्टी जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं तो जलोढ़ मिट्टी होती क्या है जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्रों में बिछा दी जाती है मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जो बड़े बड़े पहाड़ पर्वत होते हैं वहाँ से नदियाँ निकलती हैं तो नदियाँ क्या करती हैं पहाड़ों से छोटे छोटे कंकर वहाँ के अवसाद मिट्टी कचरे को लाकर नीचे मैदानी भागों में जमा कर देती हैं तो वहाँ से जो वो मिट्टी अवसाद कचरे को लाकर मैदानी भागों में जमा कर देती हैं उसी को जलोड़ मिट्टी कहते हैं अगर आप जलोड़ को तोड़ेंगे उसका संधि विच्छेद करेंगे तो वो क्या होगा जल प्लस ओढ़ जल प्लस ओढ़ तो ये क्या है तो जो जल द्वारा मिट्टी लाकर नीचे मैदानी भागों में ओढ़ा दी जाती है उसी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं ठीक है इसे आप आसानी से समझ गए होंगे तो जलोढ़ मिट्टी भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है यह भी याद रखिएगा कि जो भारत में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है ये कौन सी है तो ये जलोढ़ मिट्टी है तो ये कौन कौन से क्षेत्रफल को कवर करती है तो भारत में संपूर्ण उत्तरी मैदान और साथ ही साथ तटीय मैदान को ये कवर करती है जलोढ़ मिट्टी संपूर्ण उत्तरी भारत को मतलब कि उत्तरी मैदान को और साथ ही साथ तटीय मैदान को ये कवर करती है और इसमें क्या प्रचुरता होती है मतलब इसमें अधिकता क्या देखने को मिलती है तो चूना तथा पोटाशियम इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है याद रखिएगा चूना तथा पोटाशियम और इसमें कमी किसकी होती है तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि भारत में लगभग सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है तो इसमें भी यही कमी है तो आगे है ये मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है क्योंकि ये काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है तो ये धान की खेती के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है और साथ ही साथ गेहूँ मक्का तिलहन आलू की खेती भी इसमें की जाती है तो आगे हम देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है तो अभी हमने जलोढ़ मिट्टी के बारे में समझा तो ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है ये दो प्रकार की होती है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कई बार एग्जाम में पूछा गया है एक प्रकार को कहते हैं बांगर और दूसरे को कहते हैं खादर तो ये जलोढ़ मिट्टी के ही प्रकार हैं तो इसे बांगर और खादर क्यों कहते हैं बांगर यानी कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे बांगर कहते हैं और खादर जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं तो इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो पुरानी चीज़ें होती हैं उसे भंगार कहते हैं ना भंगार तो उसी से आप रिलेट करेंगे बांगर तो इसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं तो बांगर और खादर क्या होता है ये मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए तो जो ये आप मैप देख रहे हैं ये है बिहार का मैप आपको पता है कि बिहार में हर साल बाढ़ आती है बाढ़ क्यों आती है क्योंकि नेपाल द्वारा ऊपर से पानी छोड़ दिया जाता है जिस कारण ये जो आप एरिया देख रहे हैं डार्क ग्रीन ये हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है तो हर साल बाढ़ से प्रभावित रहता है तो यहां पर क्या होता है हर साल नदियों द्वारा मिट्टी लाकर बिछाई जा रही है तो इसे हम कहेंगे खादर क्योंकि यहाँ पर नई जलोढ़ मिट्टी आ रही है ना हर साल बाढ़ से यह एरिया प्रभावित रह रहा है तो नेपाल द्वारा मतलब वहाँ के नदियों द्वारा मिट्टी लाकर यहाँ पर बिछाई जा रही है तो इसे नई जलोड़ मिट्टी कहेंगे और बाकी का ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये पैरेट ग्रीन ये एरिया हर साल बाढ़ से प्रभावित नहीं रहता कई कई बार क्या होता है पाँच सात सालों बाद कि भारत की नदियाँ भी उफान पर हैं यहाँ पर भी पानी पूरा लबालब भरा हुआ है और ऊपर से नेपाल भी पानी छोड़ देता है तो जिस कारण क्या होता है कि ये पूरा का पूरा उत्तर बिहार बाढ़ से प्रभावित हो जाता है तो ये एरिया तो हर साल प्रभावित हो ही रहा है पर ये एरिया भी प्रभावित हो जाता है इसके साथ साथ तो इससे हम कहेंगे बांगर क्योंकि हर साल ये प्रभावित नहीं हो रहा अब एक साल बाद मतलब पाँच साल बाद प्रभावित हुआ फिर उसके सात आठ साल बाद फिर प्रभावित हुआ तो इसे हम कहेंगे पुरानी जलोड़ मिट्टी बांगर पर ये एरिया जो है ये हर साल बाढ़ से प्रभावित हो रहा है हर साल यहाँ पर नदियों द्वारा मिट्टी बिछाई जा रही है जिससे हम कहेंगे नई जलोड़ मिट्टी तो इसे हम कहेंगे खादर तो आशा करता हूँ आपको एग्जाम्पल से क्लियर होगा होगा कि जो हर साल एरिया बाढ़ से प्रभावित रहे जहाँ पर नदियों द्वारा मिट्टी लाकर बिछाई जाए उसे हम नई जलोढ़ मिट्टी कहेंगे खादर कहेंगे और जो एरिया इससे दूर हो मतलब हर साल बाढ़ से प्रभावित ना हो उसे हम कहेंगे बांगर तो जलोढ़ मिट्टी के बाद अब हम देखते हैं काली मिट्टी तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट कि जो काली मिट्टी है इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है तो बेसाल्ट चट्टाने क्या होती हैं ये मैं आपको बताता हूँ तो लाखों साल पहले क्या हुआ जो ये प्रायद्वीपीय भारत है मतलब कि दक्षिण भारत है यहाँ पर इस रीजन में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ तो जो उसका लावा है ये पूरा इस एरिया में फैल गया जहाँ पर आप देखते हैं काली मिट्टी पाई जाती है इस एरिया में फैल गया तो जो ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ उसके बाद उसमें से लावा निकला तो वही लावा जब ठंडा हो गया ठंडा होकर जम गया तो उसी से बेसाल्ट चट्टाने बन गईं तो लावा जब ठंडा हुआ ठंडा होने के बाद जम गया तो उसी से बेसाल्ट चट्टाने बनी अब यही विशाल चट्टाने जब टूटती फूटती हैं तो उन्हीं से काली मिट्टी का निर्माण होता है तो ज्वालामुखी के विस्फोट से विशाल चट्टाने बनी और उन्हीं विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया आपको कि विशाल चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है ये इंपॉर्टेंट है तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कपास की मिट्टी और लावा मिट्टी भी कहते हैं तो लावा मिट्टी इसे क्यों कहते हैं क्योंकि इसका निर्माण लावा से ही हुआ है इसीलिए इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं और कपास की मिट्टी क्यों कहते हैं क्योंकि काली मिट्टी में ही कपास की खेती की जाती है इसीलिए इसे कपास की मिट्टी कहते हैं इस मिट्टी का काला रंग टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट तो इसे आप याद कैसे करेंगे इसमें वर्ड है ना मैग्नेटाइट तो आपने देखा होगा मैग्नेट को मैग्नेट ब्लैक कलर का होता है ना आपने राउंड मैग्नेट को देखा होगा ये वाला ये ब्लैक कलर का होता है तो इसी से आप रिलेट करेंगे इसमें वर्ड है टिटेनी फेस मैग्नेटाइट मैग्नेट कौन से कलर का होता है तो ब्लैक कलर का होता है तो इससे आपको पता रहेगा कि काली मिट्टी में मैग्नेटाइट हो उपस्थित होता है जिसके कारण इसका रंग काला होता है ये तो ट्रिक है उसके बाद हम देखते हैं कि काली मिट्टी किस किस क्षेत्र में फैली हुई है तो यह है मध्य प्रदेश गुजरात महाराष्ट्र उत्तरी कर्नाटक में फैली हुई है और प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है तो ये प्रायद्वीपीय भारत है ना इसमें सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो काली मिट्टी पाई जाती है अगर हम बात करें कि काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार कहा देखने को मिलता है तो यह महाराष्ट्र में देखने को मिलता है याद रखिएगा कि काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार महाराष्ट्र में देखने को मिलता है और काली मिट्टी में कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है मतलब कि कपास की खेती काली मिट्टी में ही की जाती है तो आगे हम देखते हैं कि काली मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं याद रखिएगा जो ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं ये सभी इंपोर्टेंट हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं तो काली मिट्टी को जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं क्यों कहते हैं इसका कारण क्या है क्योंकि काली मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है और जब इसके ऊपर धूप पड़ती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं जिस कारण इसे जूते हुए खेत की मिट्टी भी कहते हैं तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं ये काली मिट्टी है जिसमें क्या हुआ दरारें पड़ गई हैं जिस कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि खेत की जुताई हुई है पर नहीं ये काली मिट्टी में दरारें पड़ने के कारण ये ऐसा लग रहा है कि जूते हुए खेत की मिट्टी है तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है कि काली मिट्टी को ही जुते हुए खेत की मिट्टी कहते हैं तो काली मिट्टी के बाद अब हम देखते हैं लाल मिट्टी लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है तो भारत में जहाँ पर कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है तो याद रखिएगा कि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही मिट्टी का रंग लाल होता है तो फेरिक ऑक्साइड लोहे का ऑक्साइड है तो आपको पता होगा कि जब लोहे में जंग लगता है तो उसका रंग भूरा लाल हो जाता है तो उसी प्रकार फेरिक ऑक्साइड जिस मिट्टी में होगा उस मिट्टी का रंग लाल हो जाएगा इस मिट्टी में लोहा और सिलिका की अधिकता होती है तो याद रखिएगा कि इसमें अधिकता किसकी होती है तो लोहा और सिलिका की अधिकता होती है और यह मिट्टी भारत में तमिलनाडु आंध्र प्रदेश नागालैंड महाराष्ट्र कर्नाटक के कुछ भागों में पाई जाती है पर आपको ये सभी राज्य याद नहीं रखने आपको याद क्या रखना है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश कि सबसे ज़्यादा इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है और जब भी आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश ही पूछा जाएगा तो लाल मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है इस एरिया में तो उसके बाद हम देखते हैं कि यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है तो जो लाल मिट्टी होती है इसमें बाजरे की खेती के लिए ये काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है और जब लाल मिट्टी जल को सोख लेती है यानी कि जलयोजित अवस्था में होती है तब यह पीली दिखाई पड़ती है आपने पीली मिट्टी के बारे में भी सुना होगा तो यही लाल मिट्टी जब इसमें यह जल को पूरी तरह सोख लेती है जलयोजित अवस्था में होती है तो यह पीली दिखाई पड़ती है लाल मिट्टी तो लाल मिट्टी के बाद अब हम देखते हैं लेटेराइट मिट्टी तो यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो और साथ ही साथ अत्यधिक गर्मी पड़े मतलब कि जहाँ पर अत्यधिक वर्षा हो और अत्यधिक गर्मी पड़े वहाँ पर लेटेराइड मिट्टी पाई जाती है और इसी लेटेराइड मिट्टी को मखरली मिट्टी भी कहते हैं क्या कहते हैं मखरली मिट्टी और इस मिट्टी में लोह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की मात्रा भरपूर होती है अगर इसमें लोह ऑक्साइड होता है तो इस मिट्टी का रंग भी लाल होता है क्योंकि जिस मिट्टी में लोह ऑक्साइड होगा उस मिट्टी का रंग लाल होगा तो यह मिट्टी भी लाल रंग की होती है लेटराइड मिट्टी तो इस मिट्टी में निक्शालन जिसे इंग्लिश में लीचिंग कहते हैं की प्रक्रिया देखने को मिलती है तो निक्षालन की प्रक्रिया क्या है जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये मिट्टी कहाँ पर देखने को मिलेगी जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होगी तो अत्यधिक वर्षा होने के कारण क्या होता है जो मिट्टी के ऊपर पोषक तत्व होते हैं वो पानी में घुलकर बह जाते हैं तो जिस कारण ये मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ नहीं होती क्योंकि इसके जो पोषक तत्व हैं वो जल में घुलकर बह जाते हैं इसी को निक्षालन की प्रक्रिया कहते हैं तो आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी और इसके बाद यह मिट्टी कहाँ देखने को मिलती है तो यह है मिट्टी मुख्यतः केरल कर्नाटक तमिलनाडु महाराष्ट्र तो जो ये भारत का पश्चिमी घाट है यहाँ पर और साथ ही साथ उड़ीसा मेघालय और असम के कुछ हिस्सों में देखने को मिलती है तो आपको ये सभी राज्य याद नहीं रखने बस आपको ये याद रखना है कि जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर और साथ ही साथ जो इसका सबसे ज़्यादा विस्तार है वो केरल में देखने को मिलता है मतलब कि केरल में लेटराइड मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा भारत में लेटराइड मिट्टी का विस्तार केरल में ही देखने को मिलता है और लेट्राइड मिट्टी में चाय कॉफी मतलब कि जो पेय पदार्थ हैं और साथ ही साथ इलायची काजू की खेती के लिए ये सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है लेटराइड मिट्टी तो इसके बाद है कि लेट्राइड मिट्टी का उपयोग ईट बनाने के लिए किया जाता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ईट बनाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है तो यह है लेट्राइड मिट्टी इसे तो और आप आसानी से याद रख पाएंगे कैसे क्योंकि लेट्राइड के पीछे ही ईट आप देख रहे हैं ना लेट्राइट इसी से बनती है ईट तो ये आप और आसानी से याद रख पाएंगे तो लेट्राइड मिट्टी के बाद अब देखते हैं लवणीय मिट्टी जैसा कि नाम से क्लियर है कि जिस मिट्टी में लवण यानी कि नमक की मात्रा ज़्यादा हो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं जब मिट्टी की प्रकृति क्षारय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे लवणीय मिट्टी कहते हैं और साथ ही साथ लवणीय मिट्टी को रेह कलर और ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है मतलब कि भारत के अलग अलग राज्यों में ये लवणीय मिट्टी पाई जाती है तो वहाँ पर उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है तो रेह कल्लर और ऊसर इसी मिट्टी के नाम है और भारत में इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार गुजरात के कक्ष के रण में देखने को मिलता है तो आप ये जैसा कि इमेज में देख रहे हैं ना ऐसा लग रहा है कि सफेद चादर ओढ़ा दी गई हो पूरा पूरा नमक दिख रहा है तो यही है लवणीय मिट्टी जो कि गुजरात के कक्ष के रण में देखने को मिलती है तो लवणीय मिट्टी के बाद देखते हैं पर्वतीय मिट्टी ये तो और आसान है पर्वतीय मिट्टी तो जो पर्वतों पर पाई जाए तो इस प्रकार की मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है जहाँ पर हिमालय पर्वत का विस्तार है वहाँ पर इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं तो पूरा जो उत्तर भारत में हिमालय है ना फैला हुआ वहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है तो जैसा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर इस मिट्टी का विस्तार देखने को मिलता है पर्वतीय ढालों पर सेब नाशपाती चाय की खेती की जाती है तो आपने सुना होगा कश्मीरी सेब के बारे में बहुत फेमस है कश्मीरी सेब तो पर्वतीय ठालों पर ही यानी कि पर्वतीय मिट्टी पर ही सेबों की खेती की जाती है तो हमने छः प्रकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ लिया अब बच्ची दो प्रकार की मिट्टियाँ इन्हें भी देख लेते हैं तो सबसे पहले है मरुस्थलीय मिट्टी इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है और इसका विस्तार भारत में मुख्यतः राजस्थान गुजरात दक्षिण पंजाब और दक्षिण हरियाणा में देखने को मिलता है तो मुख्यतः जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसका विस्तार राजस्थान के एरिया में देखने को मिलता है और मरुस्थलीय भूमि होने के कारण यहाँ पर खादान उगाना संभव नहीं है पर मोटा अनाज जैसे कि बाजरा ज्वार और सरसों की खेती की जाती है तो जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसमें मोटा अनाज उगाया जा सकता है जैसे कि बाजरा हो गया ज्वार हो गया तो यह है मरुस्थलीय मिट्टी इसके बाद देखते हैं दलदली मिट्टी दलदली मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पतियों के सड़ने के कारण होता है वनस्पतियाँ यानी कि पेड़ पौधों के सड़ने के कारण और उसी के साथ अत्यधिक वर्षा हो जाए जिस कारण कीचड़ सा हो जाता है उसी को दलदली मिट्टी कहते हैं और दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भारत की अधिकतर मिट्टियों में नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है पर दलदली मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है क्यों होती है क्योंकि इसका तो निर्माण ही पेड़ पौधों के सड़ने के कारण होता है और पेड़ पौधों के सड़ने के बाद जो अंश बचता है उसे जीवांश यानी कि ह्यूमस कहते हैं और इसका निर्माण भी पेड़ पौधों के सड़ने के कारण हो रहा है इसीलिए इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है और दलदली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है तो यहाँ पर हमने पूरे आठ प्रकार की मिट्टियों के बारे में पढ़ लिया अब कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्य देख ले तो लास्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो जो आप ये इमेज में देख रहे हैं ये है पी स्केल इससे हम किसी भी वस्तु का पीएच मान यानी कि ये पता लगाते हैं कि वो वस्तु अम्लीय है या क्षारीय है अगर किसी वस्तु का पी एच होगा तो वो उदासीन होगी यानी कि ना ही अम्लीय होगी और ना ही क्षारीय अगर उसका पीएच सात से बढ़ेगा आगे प्लस में होगा आठ हो नौ हो पी तो वो क्षार्य प्रकृति की होगी अगर उसका पीएच सात से कम हो तो वो अम्लीय प्रकृति की होगी तो मैंने आपको पीएच स्केल क्यों बताया क्योंकि जो मुख्यतः फसलों को उगाने के लिए भूमि का पी होना चाहिए वो लगभग छः और सात के मध्य होना चाहिए मतलब कि उदासीन होना चाहिए ना तो अम्लीय हो ना क्षारय हो पर अगर मिट्टी अम्लीय हो या क्षारय हो तो उसकी अम्लता और क्षार्यता को कम कैसे किया जाएगा ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि यही एग्जाम में पूछा जाता है तो अगर मिट्टी अम्लीय हो पहले आप देख रहे हैं अम्लीय मिट्टी अगर मिट्टी अम्लीय हो तो मिट्टी की अम्लियता को कम करने के लिए चूने का उपयोग किया जाता है और दूसरा है क्षार्य मिट्टी अगर मिट्टी क्षार्य हो तो उसे क्षार्यता को कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है दोनों याद रखिएगा अगर अम्लीय मिट्टी हो तो उसमें चूने का उपयोग किया जाता है अम्लीयता को कम करने के लिए अगर क्षार्य मिट्टी हो तो जिप्सम का उपयोग किया जाता है उसकी क्षार्यता को कम करने के लिए तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है अब हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने सही होते हैं तो चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय yeah! कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं तो भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं तो आठ प्रकार की मिट्टियां भारत में पाई जाती हैं दूसरा प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है तो आप बताइए कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है तो यह है जलोड़ मिट्टी यह भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है तीसरा प्रश्न है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो मैंने आपको बताया था कि भारत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस मिट्टी ने कवर किया है तो यह है जलोड़ मिट्टी यही मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ है और यही मिट्टी भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती है तो याद रखिएगा अगला प्रश्न है कि नवीन जलोड़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है नवी यानी कि नई जलोढ़ मिट्टी तो नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर बांगर किसे कहते हैं भंगार से हम रिलेट करेंगे पुरानी मिट्टी को तो जो नई है उसे हम कहेंगे खादर अगला प्रश्न है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो पुरानी को क्या कहते हैं बांगर नई को खादर और पुरानी को बांगर अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम क्या है अवरोही क्रम मतलब कि घटते क्रम मतलब कि पहले सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है फिर उससे कम उससे कम तो सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है वो तो है जलोड़ इसमें जलोड़ कौन सा है तो ए और बी दोनों में जलोड़ तो जलोड़ के बाद कौन सी पाई जाती है तो वो है लाल मिट्टी तो यह है ऑप्शन बी सबसे ज़्यादा जलोड़ मिट्टी उससे कम लाल उससे कम काली उससे कम लेट्राइड यह क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही अवरोही क्रम ऑप्शन बी तो अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है तो ये एस में क्वेश्चन पूछा गया है और भी कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है इंपॉर्टेंट है बताइए कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वोत्तम मिट्टी है तो ये है काली मिट्टी काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है मैंने आपको बताया था और काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो भारत में कहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है तो मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत में महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में और गुजरात में मतलब कि इनमें से सभी तो यहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है अगर ये पूछ लिया जाता कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है तो वो होता महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी का विस्तार है पर गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तीनों में काली मिट्टी पाई जाती है उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित मृदाओं में कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है तो बेसाल्ट चट्टानों से कौन सी मृदा बनी थी मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी से लावा निकला वो ठंडा होकर बेसाल्ट चट्टानें बनी और उन्हीं के टूट फूट से काली मिट्टी बनी थी तो काली मृदा इसका सही जवाब होगा यह विशाल चट्टानों से बनी है उसके बाद अगला प्रश्न है कि रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम है तो रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है तो काली मिट्टी काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं ये हमने पढ़ा था अगला प्रश्न है कि मिट्टी की अम्लीयता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है तो अम्लीयता को कम करना हो तो उसमें क्या मिलाया जाएगा तो उसमें चूना मिलाया जाएगा अगर यही पूछा होता कि क्षारियता को कम करना है तो उसमें क्या मिला जाता तो उसमें जिप्सम मिला जाता पूछा हमें क्या है कि अम्लिता कम करने के लिए तो अम्लिता कम करने के लिए चूना मिला जाता है लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंटों के लिए उपयुक्त मानी जाती है तो ये हमने ट्रिक से पढ़ा था कौन सी मिट्टी है लेट्राइड मिट्टी इसी के पीछे ना ईट तो ईट से ही ईटों का निर्माण होता है मतलब कि लेट्राइड मिट्टी से ही ईंटों का निर्माण होता है तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है कैसी लगी ये वीडियो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना धन्यवाद